Sabha Sumatari. To second the motion. I rise to second the move by Sri Chirag Paswan that Sri Om Birla, a member of the House, be chosen as the Speaker of the House. Thanks. हिंसा से जुड़े संगठन जो हथियारबंद गिरोह थे, जो वहां लड़ाई लड़ते रहते थे, अंडरग्राउंड रहकर लड़ाई लड़ते थे, हर व्यवस्था को चुनौती देते थे, हर काउंटर ग्रुप को चुनौती देते थे, खून खराबा होता रहता था, आज उनको साथ लेकर के स्थायी समझौते हो रहे हैं, शस्त्र सरेंडर हो रहे हैं, जो गंभीर गुनाह के अंदर हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अदालत को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्याय तंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, संविधान के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के गवर्नमेंट की रचना पे भरोसा करना, ये इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है। पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है। क्या क्या हथियार ले गए हैं, क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG, लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख एन्यूमेशन, 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में है। कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? कहां है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ये जो बंदूक है, ये जो गोलियां हैं, किस पर चलाएंगे? ये गोलियां हमारे भारतीय सेना के नौजवानों पर चलाएंगे। में जब 2012 में असम में कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा असम में जाकर, वी आर वन पीपल, वी आर वन नेशन, वी मस्ट लिव टुगेदर एज सच, वी मस्ट रिस्टोर पीस एंड काम थ्रू आउट द एरिया। ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं कर? सर, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन वॉज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ 6th Schedule टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंप्राइजिंग नियर अबाउट 4 million पीपल ऑफ वेरियस कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। द पीपल ऑफ बोडोलैंड अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री प्रमोद बोरो एज चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर are living peacefully with harmony and integrity in the region of family record. Sir, while supporting the motion of thanks, people, President address, I would like to call upon the Government of India to make it convenient to provide a little space for accomplishment of Border Accord 2020 in the government's 100 days agenda. Sir, under the Hydrocarbon Vision 2030, Sri Rameshwar Teli, the then MOS of Minister of Petroleum and Natural Gas, announced. Sri Gaurav Gogoi ji. एक पॉइंट सर, सर सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल, क्या हो गया ऐसे? क्या हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, BJP पूरा हिंदू समाज नहीं है। By showing an image of our refuge, okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माने सुरक्षित सर, शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूँ। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो, प्लीज। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए, नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता, आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर जी। सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य आप बस ये बता दीजिए, माननीय सदस्य सर मना है या नहीं कोई भी चित्र को दिखाने के? तो शिव जी का चित्र इस सदन, इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं,
मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। There would not have been a silence in this house, nor in the presidential address. Yes. This must be registered. Please raise your point of order. If you wanted to doubt the nationality and the nationalism of the people of that state, you must realize that these people have fought for the country. These people have brought plural to this country. Please remember this. कि आप मेरी कॉम को जो है इज्जत दे रहे हो. What the silence means. One second. क्या बात कर रहे हो? And I am telling you this. मेरी कॉम को हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया. भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया. हमने कैसे नहीं इज्जत दी मणिपुर को? मणिपुर को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिया. और आपसा जो है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मेरे मामा को मणिपुर में गोली लगी. वो सीआरपीएफ के डीआईजी थे. इनको शहीद नहीं पता है. और 1956 में पहला आपसा मणिपुर में लगा. और 1956 से आज तक कांग्रेस के कारण मणिपुर की यह स्थिति है. After independence, can you negate this fact? We are talking about the inclusion of the Northeast history after 75 years. There's a classic exclusion. India was an anthropological subject, not a historical subject in the eyes of the colonial forces. And today, the Northeast remains outside of the history of the Indian history textbook. That is why you treat them as the other. And that's the silence. And the silence on the Manipur tragedy is not unique. It is the reflection of this general continuity of the colonial in the post-colonial. It is sad to see a nationalist party like the BJP will feel comfortable with the silence on the tragedy of Manipur. Keep your hands on your heart and think about the 60,000 people who are languishing in relief camps. And those mothers, those widows, think of them. And then you talk about nationalism. Point is made. He made only then we will understand what this tragedy means. And Mr. Chairman, the hurt, the anger has thrown a nobody like me to be part of this temple of democracy. Beating the BJP cabinet minister, think about the pain. If you hear an anxiety, anguish and pain in my voice, please go back and see those 60,000 people languishing in the relief camp. Don't talk about partition remembrance till you win that. I would keep going the moment the Prime Minister opened his mouth and the Nationalist Party says that Manipur is part of India and we care for the people of that state. Only then I will accept what is nationalism in our faith. हम नॉर्थ ईस्ट को आज देश के विकास का एक सशक्त इंजन बनाने की ओर ताकत से लगे. नॉर्थ ईस्ट पूर्वी एशिया के साथ ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल कनेक्टिविटी उसका गेटवे बन रहा है. और ये जो कहते हैं ना 21वीं सदी भारत की सदी, उसमें ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है. ये हमें स्वीकार करना है. आदरणीय सभापति जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में गत 5 वर्ष में जो काम किया है, और अगर पुराने कांग्रेस के हिसाब से साथ उसको अगर तुलना कर दी जाए, हमने जितना काम 5 साल में किया है, इतना अगर उनको करना होता ना तो कम से कम 20 साल लग जाते, एक पीढ़ी और चली जाती. हमने इतना तेजी से काम किया है. आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उसके विकास का मूलभूत आधार है, उसको हमने प्राथमिकता दी है. और आज भूतकाल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से कई गुना आगे हम निकल चुके हैं और हमने उसको करके दिखाया है. आदरणीय सभापति, नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए 10 वर्षों में अनेक प्रयास किए गए हैं और निरंतर प्रयास किए हैं, बिना रुके बिना थके, हर एक को विश्वास में लेते हुए में प्रयास किए गए और उसकी चर्चा कम हुई है देश में, लेकिन परिणाम बहुत ही आशा पैदा करने वाले निकले हैं. राज्यों के बीच सीमा विवाद संघर्षों को जन्म देता रहा है और आजादी से अब तक निरंतर चलता रहा है.
हमने राज्यों को साथ बिठा करके सहमति के साथ जितने सीमा विवाद खत्म कर सकते हैं एक के बाद एक अकॉर्ड करते करते जा रहे हैं। रिकॉर्डेड है, सहमति की रिकॉर्ड है, और उसके लिए जो सीमाओं में किसी को उधर जाना है, किसी को यहां आना है, कहीं देखा यहां बनाने, कहीं देखा वहां, वो सारे काम कर चुके हैं। आदरणीय सभापति, ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन, जो हथियारबंद गिरोह थे, जो वहां लड़ाई लड़ते रहते थे, अंडरग्राउंड रहकर लड़ाई लड़ते थे, हर व्यवस्था को चुनौती देते थे, हर काउंटर ग्रुप को चुनौती देते थे, खून खराबा होता रहता था, आज उनको साथ लेकर के स्थायी समझौते हो रहे हैं, शस्त्र सरेंडर हो रहे हैं, जो गंभीर गुनाहों के अंदर हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अदालत को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्याय तंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, संविधान के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के गवर्नमेंट की रचना पर भरोसा करना, ये इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है।